हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए फर्स्ट सेकंड थर्ड और सभी सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बेटा ये बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर फोर्थ है। वीडियो में अगर मजा आ रहा है और आपको सीरीज में मजा आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें और अपना एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करो अगर मजा आ रहा है तो। आ रही है बात समझ में? काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इस सीरीज में सारे ही वो ले रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बस ये आपसे वो है, चाहे शेयर करो मत करो, कमेंट करो मत करो, पर स्किप मत करना। और देखो, अगर आप स्किप नहीं करोगे तो मैं इतना दावा कर रहा हूं कि आपको मजा आ ही जाएगा। ठीक है, फिर आप एक अच्छा सा कमेंट खुद ही छोड़ दोगे। ठीक है जी, तो बेटा अभी हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ये है डिटर्मिनेंट का है। आपका डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है जो काफी बार पेपरों में पूछा गया है और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये है 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, और ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 और ये 1। ठीक है, कहेगा कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, किस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो। अब आधे बच्चे तो ये देख रहे होंगे जिन्होंने बीसीए में एक शब्द भी मान लो मैथ का नहीं पढ़ा है या एक भी दिन क्लास में नहीं गए हैं, तो ये ओमेगा होता क्या है। ठीक है, तो 11th क्लास का है, कोई ऐसी बात नहीं है। दो रिजल्टेंट हमें दिए जाते थे, बस हमें उनका ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश। देखो, एक तो ये कि ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था हमारा, 0। एक रिजल्ट तो ये था, और ये ओमेगा की क्यूब प्लस 1 बराबर 0। ये दो रिजल्टेंट हमारे होते थे और ये क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो गया। डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो देखो जी, तो इसमें तीन ही रो हैं, तीन ही कॉलम हैं। हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हम रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखो, एक बात देखो, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं R1, R2, R3 अगर मैं इन्हें जोड़ दूँ तो मेरा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे को ये दो रिजल्ट पता है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 0 होता है। क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में देखो, अगर मैं C1, C2, C3 जोड़ दूं, तो क्वेश्चन हमारा और आसान हो गया। फिर तो मेरे को डायरेक्ट इसका रिजल्ट मेरे को मिल गया। तो मैं यहां पर जो मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा, C1 में जोड़ूंगा, वो C1 में मैं जोड़ने वाला हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। आ रही है बात समझ में? ये C1 होती है, C2 होती है, C3 होती है। इससे पहले जो लिखा हुआ उसमें हम जोड़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो भैया ये हमारी C1 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम एज इट इज। यहाँ पर भी मेरा क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये आगे पीछे करके कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो इसे मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, तो उससे कोई ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर सेम एज इट इज, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में? सेम एज इट इज, C2 और C3 में हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख दो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ये 1। देखो 12th क्लास के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं उन्हें तो बिल्कुल खिलौने की तरह लगेंगे ये वाले क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल नहीं घबराना आपको। अब बेटा देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। अब ये 0 और ये 0 और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर 1 1। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके थे, पर मेरे को पता चल गया इसका आंसर 0, क्योंकि देखो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 12th क्लास में भी या बीसीए में भी, आपके मैथ्स टीचर ने आपको बताई होगी कि भाई जो हमारी या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट हमारे शून्य हो जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है उसका क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब देखो जैसे इसका ये भी और ये भी और ये भी, मेरी C1 पूरी 0 हो गई, C1 पूरी मेरी 0 हो गई, तो बेटा इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0। तो बेटा जो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो होगा 0। काफी बार ये प्रूफ के लिए भी बोल देगा, काफी बार ये कह देगा कि इसे सोल्व करके आप दिखाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, या तो फटाफट से इसका इसे साथ में नोट करते चलो या इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो हिट करते चलो, लाइक बटन हिट कर दो फटाफट से अगर मजा आया आपको क्वेश्चन में। ठीक है जी, फिर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसे मैं रफ कर रहा हूं फटाफट से। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना कि वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथी भी ना हो। देखो भाई क्या होता, आपने कुल मिलाकर जो आपका पूरा दिन होता है उसमें देखो, मैं पूरी जो एक वीडियो में डालता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 7-8-10 मिनट की डालता हूँ, तो आराम से आप देखो
15-20 मिनट पूरे दिन में निकाल लो। और यार मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप ये है कि आप टोटली अगर आपको इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो मैं इतना कह रहा हूँ, बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कोचिंग की जरूरत पड़ने की। आ रही है बात समझ में? बस ये है कि अपने बैक टू बैक जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसकी या तो एक कॉपी बना लो या अपने अच्छे से इन्हें तैयार करते चलो, ठीक है। फिर देखो बेटा एक क्वेश्चन ये आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स 1 और ये एक्स की पावर 5 और ये माइनस 2x की पावर 3 और माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x और माइनस का 1। ये क्वेश्चन है, इसे इवेलुएट करना है मेरे को। क्या करना है? इवेलुएट करना है। तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। या तो इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है या लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में भी पूछा जाता है। वहाँ दोनों तरीके से ये आएगा कि इवेलुएट दिस, इसे इवेलुएट कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ वन रख के देखोगे तो बेटा ये ऊपर बनेगा 0 और नीचे भी बनेगा 0। तो ये फॉर्म बन रही है 0.0 फॉर्म, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट डिटरमिनेट कौन सी होती है? जैसे 2/2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, 4 से 4 कट गया हमारा 1 आ गया। आ रही बात समझ में? पर यहाँ हम कौन सा नियम लगाएं कि 0 से 1/0 की मल्टीप्लाई या 0 से 0 को डिवाइड, तो यहाँ कुछ भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो उनके लिए हमारा बना एक एल हॉस्पिटल रूल, जिसके मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। उसमें क्या करते हैं हम, ऊपर वाले पार्ट का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले पार्ट का अलग डेरिवेटिव, और जब तक डेरिवेटिव करते रहो जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिले। तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे और आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो भाई अप्लाई करते हैं और वो होता क्या, देखो होता ये है, लिमिट एक्स टेंड्स 1, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का भी देखो बड़ा आसान, अगर आपने डेरिवेटिव नहीं सीखा है तो फटाफट से वीडियो जाकर देखो, जो हमारे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो, उसी वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखो ऊपर वाले पार्ट का अलग डेरिवेटिव, एक्स की पावर 5 का करोगे तो 5x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 8x और यहाँ प्लस का 9 क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस के 4 का 0 और अपॉन में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस का यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहां हो जाएगा प्लस का 2 और x का 1 और माइनस 1 का 0। अब देखो अगर मैं 1 रख के देखता हूं तो यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, तो 6 माइनस 6 0 और ऊपर भी मेरा 0 ही बन रहा है। तो बेटा यहां जो फॉर्म बनेगी यहां भी 0.0 फॉर्म बन रही है। फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, भाई फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एक बार हम और यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम कर सकते हैं बार बार, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, 20x की पावर 3 और माइनस का कितना बन जाएगा 12x बन जाएगा और माइनस का 8x का 1 हो जाएगा और 9 का 0 हो जाएगा और अपॉन में इसका करता हूँ तो मेरा 12x स्क्वायर और ये बन गया मेरा 12x और प्लस का 2 का 0 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ 1 यहाँ रखता हूँ तो देखो माइनस का 12 और माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 20 और माइनस का 20 और प्लस का 20 0 हो गया और नीचे भी मेरा 0 हो गया, नीचे भी मेरा 0 हो गया क्योंकि 12 माइनस 12 कितना हो गया 0 हो गया। तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, एक बार और अप्लाई करेंगे और आपकी बार हो जाएगा। देखो अब ये लिमिट एक्स टेंड्स 1, अब देखो एक्स टेंड्स 1 ये कितना हो गया मेरा 60x स्क्वायर और माइनस का 12x का 1 हो जाएगा और सेम एज इट इज यहाँ क्या हो जाएगा 24x और माइनस का 12। आ रही है बात समझ में? अब देखो अब मेरे को सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख के देख रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम क्या ये क्या हम बार बार यहाँ रख कर थोड़ी नहीं देखेंगे? देखो यार इतना पता चल जाता है, आप मनी मन में करके देख लो, पीछे रफ में करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो जैसे मैं यहाँ 1 रख कर देखता हूँ तो देखो यहाँ जो मेरा बनेगा, मेरे को पुट दी वैल्यू, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो देखो 60 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 12 और अपॉन में 24 मल्टीप्लाई 1 और माइनस का 12, तो ये बनना मेरा 48 अपॉन 12, इससे काटोगे तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 4 निकल के आएगा, इसका जो आंसर है हमारा 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, 4 से 5 नंबर में पूछा गया है, तो फटाफट से इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ रही है बात समझ में? भाई क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, 110% आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आपको अच्छे सा आ रहा होगा, ठीक है। तो हिट करते चलो लाइक बटन, ठीक है। अब देखो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आप मुझे पूछ लेना, ठीक है जी, और अन्यथा आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है।
देखो एक तो पहले की तरह ही है हमारा ये क्वेश्चन, जो मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये है, हमें लिमिट एक्सटेंड्स जीरो दिया गया है और इवेलुएट करना है वन माइनस कोस एक्स और अपोन में एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, लिमिट एक्सटेंड्स जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन और अपोन में एक्स। दोनों ही बड़े आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आप ये सोच रहे हो कि सर लिमिट लिमिट के करवाए जा रहे हैं, अभी हम पूरे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन लेंगे, आप फुल आउट ऑफ फुल लेकर आओगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। बाकी अभी कैमरे में थोड़ा बैटरी कम हुए जा रही है तो इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ट्राई करना, जो इनका आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसा मुझे लगेगा कि भाई आप भी, आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी वीडियो में अगर मजा आए तो वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से, कमेंट करके बता देना वीडियो में मजा आ रहा है, और अगर सीरीज में पूरी मजा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेलिस्ट को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।